हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरगन नेचुरल ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग को मैं लाइनर लगाना बताऊंगी। अगर आप बिगनर हो, नए हो, आपको बिल्कुल भी लाइनर लगाना नहीं आता है, तो किस तरीके से आप लाइनर ड्रॉ कर सकती हैं, तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत आसानी से बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप लाइनर लगा सकती हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके की एक लाइनर ली हुई है और ये इस तरीके से लाइनर है। तो सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से निकाल लेना है और आपको जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगे आपको, तो उसको आपको इस तरीके से निकाल देना है। देख सकते हैं इस तरीके से। आपको इसका जो ब्रश है, इसमें बिल्कुल भी लाइनर नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपकी लाइनर बिगड़ सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रही हैं। तो सबसे पहले आपको इतना जितना भी इसमें लाइनर रहेगा, आप उसको निकाल दीजिए। ब्रश में आपको बहुत ही हल्का सा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कैसे लगाना। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पतली लाइनर लगाना है, तो इस तरीके से आप पतला लाइनर लगा सकती हैं। देख सकती हैं, बहुत ही पतली सी लाइनर मैंने ड्रॉ की है। अगर आप रेगुलर क्रीम लगाना चाहती हैं, आप जैसे आप घर में रहती हैं या आप कहीं जा रही हैं, तो अगर आपको पतली लाइनर ड्रॉ करना है, तो आप इस तरीके से पतली लाइनर लगा सकती हैं अपने आईज पे। तो इसे अब मैं इसमें भी लगाती हूँ। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम लगा रही हैं, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना है और बहुत ही छोटी छोटी सी लाइंस आपको करना है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगी, है ना, जो आपका इनर कॉर्नर है, यहाँ से आप लेके जाएंगी। बहुत ही धीरे धीरे से आप छोटी छोटी लाइंस को मिला करके आप आउटर कॉर्नर तक लाएंगी। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लगाएंगी, तो आपको अच्छे से पता नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको बहुत ही छोटी छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है और उसको अच्छे से मिलाते हुए आपको ले जाना है। तो फ्रेंड, देख सकती है मेरा आईज में मैंने लाइनर लगा लिया हुआ, इस तरीके से आप देख सकती हैं, है ना। बहुत ही मैंने पतली सी लाइनर लगाई है, बहुत मोटा लाइनर मैंने नहीं लगाया हो। अगर आपको मोटा लाइनर लगाना सीखना है, विंग लाइनर लगाना जानना है कि किस तरीके से आप लगा सकती हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आप किस तरीके से मोटा लाइनर लगा सकती हैं। और अगर आपकी आईज बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप उसको लाइनर लगा कर किस तरीके से थोड़ा सा बड़ा दिखा सकती हैं। तो अगर आप लोग को सीखना है, हमारी छोटी आईज होती है, उसको हम किस तरीके से हम लाइनर लगाएं जिससे हमारी आईज जो है थोड़ी सी बड़ी दिखे, थोड़ी सी कटीली दिखे, ये सारी चीज़ें आपको जानना है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल भी लाइनर ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से घर पर ही लाइनर सीख सकती है लगा के, है ना। तो आप देख सकती हैं मैंने लगा लिया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से बताऊँगी किस तरीके से आप मोटा लाइनर लगा सकती हैं, विंग लाइनर कैसे आप लगा सकती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमें पहली बार देख रहे हो, तो मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराती हूँ। तो जिसको करना है, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, घर बैठे ही आसानी से ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पर एक दो वीडियो और भी डाले हों कि किस तरीके से आप लाइनर लगा सकती हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकती हैं। किस तरीके से आप आई लेसेस लगा सकती हैं, फेक आई लेसेस कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप लगा सकती हैं, वो सारी वीडियो अगर आप लोग को देखना है, तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकती हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, जो आपको ब्यूटी टिप्स की भी वीडियो मिलेगी, आपको पार्लर से भी रिलेटेड कुछ वीडियो मिलेगी। तो इस तरीके से आप अगर हमें पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारी वीडियो का लाभ सबसे पहले आप उठा पाएँ। तो इस तरीके की कॉन्टेंट को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।